पीटीआई ने रिटायर्ड जज की सरबराही में मुजव्वजा इंक्वायरी कमीशन को मुस्तरद कर दिया। हसास तरीन मामले पर चीफ जस्टिस की वजीर आजम से मुलाकात पर तश्वीश का इजहार कर दिया। कोर कमेटी ने मामले को लार्जर बेंच के सामने रखने का मुतालबा किया है। बैरिस्टर गौहर कहते हैं जजेस खत पर अदलिया का भरपूर साथ देंगे। लतीफ खोसा का कहना था कि जजेस के खत ने पीटीआई की बातों की तस्दीक कर दी। जजेस पर दबाव के खिलाफ मुल्क भर में वकला तहरीक चलाने जा रहे हैं। हम हमेशा अदलिया के साथ खड़े हैं, यकीन दिलाते हैं कि आपका लेटर, आपके कंटेंट्स भेजा नहीं जाएंगे। इसको मंतकी अंजाम तक पहुंचाने के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कोई कसर नहीं छोड़ेगी। चीफ जस्टिस साहब को खान साहब की तरफ से एक लेटर भी भेजेंगे और हम पूरी तफसील उसमें बयान करेंगे कि खान साहब के केसेस को किस तरीके से हैंडल किया गया और किस तरीके से ट्रीट किया गया। जो पीटीआई कहती थी 6 जजेस के मरासले ने उसको साबित कर दिया। इन जजेस पर जो दबाव का एक कैफियत है उस पर वकला तहरीक चलाने जा रहे हैं जिसमें पाकिस्तान के अवाम भी बिल्कुल शामिल होंगे, क्योंकि अगर अदालत और निज़ाम इंसाफ निज़ाम अदल को अगर मुनहदिम कर दिया जाता है तो ना रूल ऑफ लॉ रह जाता है, ना आइन की बालादस्ती होती है, ना ही वो रियासत चल सकती है।